ये बताइए आप बिजली विभाग वाले बारिश के मौसम में लोगों की बिजली क्यों काटते हैं? तो आप क्या चाहते हैं, लोगों के बाल काटें? मेरा मतलब हल्की हवा के चलते ही बिजली चली जाती है। करना पड़ता है मैडम, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। अरे तो कम से कम कुछ देर तो रुक सकते हैं, जब तेज बारिश हो तेज हवा चले तब काटिए बिजली। तेज बारिश तेज हवा में तो हम जहाँ से बिजली काटते हैं वहाँ की बिजली कट जाती है। यार तेरे को हुआ क्या, तेरे को इतनी आवाजें लगा रहा हूँ तू सुन क्यों नहीं रही है? तू मुझे बताएगी कल रात से पार्टी से जब से आया तेरा मुंह बना पड़ा, हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। देख जब तक तू नहीं बताएगी ना किसी बात का हल नहीं निकलेगा। पर सबके हस्बैंड अपनी वाइफ की इतनी तारीफें कर रहे थे और तुम्हारे मुंह से मेरे लिए एक वर्ड नहीं निकला। बस इतनी सी बात थी, बांग। जो तुम लग रही थी कल इतनी प्यारी। तुझ पर लग जाती है इसकी तनख्वाह सारी। क्या देख रहे फोन में? अरे वो शादी की ना हमारी फोटोज आ रही थी मेमोरीज में फोन में, तो बस वही देख रहा था। दिखा मुझे भी। ये देख, याद है इस फोटो की स्टोरी? हाँ यार, देखते देखते हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, टाइम का पता ही नहीं चला। बहू समय का पता कैदी को चलता है, जेलर को नहीं। समझ रहे हो ना? मम्मी जी मेरे भाई की शादी को बस एक ही महीना रह गया है, तो मुझे कुछ पैसे दे देते, मुझे शॉपिंग करनी है। कान खोल के सुन ले बहू, मुझसे एक पैसा मत मांगना और ना ही मेरे पैसे को हाथ लगाना। अगर मेरे पैसे को हाथ लगाए ना तो मुझसे बड़ा कोई ना होगा। क्या बात करते हैं? ठीक है मम्मी जी। A few moments later. ये क्या है? मम्मी जी ये देखिए, 2 साड़ी और 2 सूट कैसे हैं, 10,000 रुपए में लिए मैंने। अच्छा बहू ये बताओ, जब मैंने तुम्हें पैसे दिए नहीं और तुमने मेरे पैसे छुए नहीं, तो इतने महंगे महंगे कपड़े कहाँ से लेके आई हो तुम? बात तो सही है मम्मी जी, जब से आपने मुझे पैसे छूने के लिए मना किया था ना, तब से मैंने आपका कार्ड यूज करना शुरू कर दिया। हे भगवान, लूट लिया रे बहू ने तो मुझे। मम्मी जी हम दोनों गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। अच्छा, आपको कुछ मंगवाना है वहाँ से तो बता देना मुझे। वो मंगवाने क्या बात है, मैं भी चल रही हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर रुक जा, मैं भी अपने कपड़े रख लेती हूँ। अरे मम्मी जी आप इतना पैदल कैसे चल पाओगे वहाँ पर? अरे हाँ क्यों नहीं चल पाऊंगी पैदल, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। अच्छा वैसे माँ जी आपकी कितनी उम्र होगी बताओ? मेरी उम्र यही कोई बहुत 40-45 साल। तो माँ जी इनकी उम्र तो फिर 38 साल की है, तो क्या आप इनको अपने मायके से साथ लाई थी? हे भगवान, यमराज धर्मराज सब लेके पे बैठे हैं और माता जी अभी 40 की भी नहीं हुई है, लेने मत ना अभी इनको, ये तो बहुत छोटी है बेचारी, छोटी है। कौन है ये लोग, कहाँ से? बहू तुम सास की परिभाषा समझती हो? बताओ सास की परिभाषा? हाँ अरे मम्मी जी मुझसे बेहतर कौन समझेगा सास की परिभाषा? क्या बात कर रहे हो बाबा, बताओ तो। अच्छा सुनोगी आप? हाँ बिल्कुल सुनाओ। तो सुनिए मम्मी जी, बहू पे जो शासन करे सुबह शाम भाषण करे, अच्छा रोक लगाए राशन पे, कुंडली मार के बैठे आसन पे, पूरी ना होने दे बहू की आस, उसे ही कहते हैं असली सास। रुको जरा सबर करो। और सुनेंगे मम्मी जी, बहू को समझे नौकरानी, काम करा करा के पिला दे पानी, खुद को समझती है महारानी, फटकने ना दे तिजोरी के पास, उसे ही कहते हैं असली सास। तुझे मैं बताती हूँ।